अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 25 दिनों से राजीव गांधी युवा मित्र अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार इनकी बहाली कर इनको पुनः कार्य के लिए नियुक्त करे। लगातार ये पिछले 25 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 25 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार या किसी मंत्री से आपको आश्वासन? अभी तक सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है भी आपको बाहरी कर देंगे। अभी हमें पिछले 26 दिनों से यहाँ बैठे हैं इस कड़कड़ाती सर्दी में। हमारी बहनें भी बैठी अपने बच्चों के लेकर, हमारे भाई भी बैठे हैं, विकलांग साथी भी यहीं पिछले 26 दिनों से बैठे हुए हैं इस सर्दी के अंदर। और ये साथी कई तो ऐसे हैं जिनके पास दो दो तीन तीन ड्रेसे हैं, उसी ड्रेसे में रहते हैं। एक टाइम हमसे खाना भी नहीं मिलता है क्योंकि 26 दिन से घर से आए थे, बेरोजगार हो गए हैं। अब घर वाले भी हमें पैसे नहीं भेज रहे हैं, इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द करें। हम जो भी हमें काम देंगे, हम उन काम को अगर पूरा ना करें तो हमारे नोटिस करके आप हमें हटा सकते हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं जी पिलियुंगा से आया हूँ। एक तो सब बेरोजगारी हो गई है, तो और खाना जो घर पे मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता, तो कपड़ों की भी दो जोड़ी पर हम गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार को यही कहेंगे भी जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। अभी राजस्थान के हैं तो अभी विधानसभा भी चलने वाली है कल को 8 तारीख को, तो उसमें जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए हमारे। कब तक प्रदर्शन जाएगा? प्रदर्शन तो ये चलता है, ये बाली नहीं मिलेगी, ये चलता ही रहेगा। लगातार यहाँ पर प्रदेश भर के 25 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार से इनकी यही मांग है कि सरकार इनको बहाल करे, और लगातार ये 25 दिनों से अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम महिला अभ्यर्थी भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करें। मैम, पिछले 25 दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, किन किन समस्याओं से आपको सर? समस्याएं तो सरकार को भी सामने दिख रही है। 25 दिन से इतनी ठंड गिर रही है, बीच में बारिश भी हुई है। हम लोग तंबू बना बना के यहाँ पे रह रहे हैं, बिस्तर हमारे यहीं पड़े हैं। अभी बारिश में हमारे बिस्तर तक गीले हो गए थे। हम लोग ठंड में रात को यहाँ पे पूरी रात बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ पे। सरकार पर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। खाने पीने की सामग्री है, 25 दिन से हम बाहर का खा रहे हैं, तो हम लोगों की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, हम खाना भी टाइम से नहीं खा पा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास पेमेंट बिल्कुल पैसा ख़त्म हो चुका है, पैसे हमारे पास है नहीं। घर वाले हैं तो घर वाले कितना देंगे? आज 25 दिन से हम बच्चों को छोड़ के बैठे हैं, दूसरी जगह बच्चे हमारे इतने परेशान हो रहे हैं हद से ज़्यादा। अब सर, परेशानियों का तो कोई अंत ही नहीं है। पर सरकार से हम यही कर रहे हैं कि आज 25 दिन से हम इतनी परेशानियों का सामना कर चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। उसके लिए थोड़ी सी सरकार को हम यही मानते हैं कि शर्म करनी चाहिए कि इतने वो कहते हैं कि बेटियों को हम है ना बेटियों का विकास कर रहे हैं, बहनों का विकास कर रहे हैं। अरे बेटियां बहनें तो तुम्हारी रात को यहाँ पे सो रही हैं, बारिश में पड़ी है, और वो लोग कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। आके हमको संभाला नहीं है उन लोगों ने, एक हमारे पास किसी को भेजा नहीं है, देखा नहीं है। यहाँ CID वाले हैं, वो देखते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं, बस इतना चल रहा है। बाकी हमारा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, इतने परेशान हैं हम लोग। ये तमाम अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से हैं, और लगातार इनको 25 दिन से इनका प्रदर्शन जारी है, और इनको कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। ये लगातार सरकार से अपनी बहाली की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है जब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इनकी सरकार बहाली नहीं कर देती। लगातार यहाँ पर 25 दिनों से महिला अभ्यर्थी भी मौजूद है, कुछ महिला अभ्यर्थी हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। मैम, पिछले 25 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, आप अपने बच्चे को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, किन किन समस्याओं से? हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमको हमारा रोजगार वापस दे दो। हम छोटे छोटे बच्चों को घर पे रख के छोड़ के हम जाते थे फील्ड में पर योजनाओं को बताने के लिए, इसलिए हमारा रोजगार वापस दे दो हमको। मैम, कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा जिले से हम आए हैं। कितने दिनों से? हम 26 दिन हुए हमारे। बच्चे को लेकर बैठे हैं, किन किन समस्याओं से आप? हमको न तो खाने मिल रहा है यहाँ पर, पैसे नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे?
बहुत समस्या है हमारे। देखिए तमाम अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े हैं और इनको कई समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। पिछले 25 दिनों से लगातार इनका अपनी बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।